जय शंकर। प्रिय दर्शकों, मैं स्वामी राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का सितंबर 2024 की मासिक राशिफल की सीरीज में, जहां आज हमारा जो फोकस रहेगा वो कुंभ राशि के ऊपर, यानी एक्वेरियस जोडियक साइन वालों के ऊपर रहने वाला है। जिन भी लोगों का नाम एस या जी अक्षर से, स या ग अक्षर से शुरू होता है, या जिन भी लोगों की चंद्र या लग्न राशि कुंभ राशि है, वो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे संकेत छिपे हुए हैं। वैसे तो सितंबर 2024 के अंदर चार मुख्य ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं, परंतु आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास तीन ग्रह रहने वाले हैं। एक तो मंगल देवता का पंचम भाव में गोचर करना, सूर्य देवता का पहले सप्तम भाव में अपनी राशि में गोचर करना और उसके बाद राशि परिवर्तन करके अष्टम में आना, और इसके साथ साथ शुक्र देवता का अपनी नीच राशि में गोचर करना साबित होने वाला है। क्या आपके सपने होंगे पूरे या अभी भी वो रह जाने वाले हैं अधूरे? मैं स्वामी राजर्षि आज विस्तार से इस वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी 23 लाख से भी अधिक जो परिवार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारे प्रश्न भी मुझे भेजते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए, जिनका समाधान अब आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है और अब आप मुझसे फ्री में अपनी कुंडली का परामर्श करा सकते हैं, कुंडली दिखवाकर उपाय ले सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है #AskSwamiji, उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करके उन वीडियोस को अपने इसी चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, जिनमें आपको अपनी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष जो है उसका समाधान चैट से नहीं मिलता है, उसके लिए वार्तालाप करनी पड़ती है, इसलिए मैं वीडियो से समाधान दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेरे उत्तर का इंतजार मत कीजिएगा। आपकी अगली वीडियो जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बारी उसमें आ चुकी होगी। दो बातों का खास ख्याल रखें, जब भी प्रश्न पूछें तो #AskSwamiji जरूर लिखें, और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब अगले वीडियो में आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। प्रिय दर्शकों, अब हम आज के विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने कुंभ राशि की सितंबर 2024 की कुंडली को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसी के आधार पर आगे का राशिफल मैंने तैयार किया है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझेंगे। कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, देखेंगे पहले भाव के अंदर चंद्रमा और शनि दो ग्रह गोचर कर रहे हैं। शनि इस समय पर वक्री चल रहे हैं, कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अपनी ही राशि के अंदर शनिदेव आपके मालिक हैं, अपनी ही राशि के अंदर अभी इस समय पर वक्री चल रहे हैं। 29 जून से वक्री हुए थे, तब से पूरे विश्व भर में भूचाल सा लेकर आ चुके हैं। क्या प्रभाव आपके जीवन पर इस महीने डालने वाले हैं, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरे भाव में राहु देवता विराजमान है, तीसरे भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, चौथे भाव के अंदर देव गुरु बृहस्पति दिन प्रतिदिन स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उनकी डिग्रीज बढ़ रही हैं, तो अब इनका और अधिक फल आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद पंचम भाव बहुत खास है, वहां मंगल देवता का गोचर आरंभ हुआ है। अगस्त के लास्ट में से ये गोचर शुरू हुआ है और पूरे सितंबर भर आपको अच्छे फल देने वाला है। क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद जो छठा भाव है वो मुख्य ग्रहों से वंचित है। सप्तम भाव में बुध देवता विराजमान है और इनके साथ पहले तो सूर्य देवता भी विराजमान रहने वाले हैं आधे महीने, उसके बाद 16-17 तारीख में राशि परिवर्तन करके अष्टम के अंदर गोचर करने लगेंगे। वहां उनकी मुलाकात होगी केतु और शुक्र देवता से। केतु बहुत समय से इसी भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और शुक्र देवता अपनी नीच राशि में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इसके बाद के सारे भाव मुख्य ग्रह जो है वो कोई भी ग्रह विराजमान नहीं होने वाला है बाकी के चारों भाव के अंदर। तो इसी के आधार पर और अपने 7 वर्षों के वैदिक ज्योतिष के अनुभव के आधार पर आज का मैंने ये राशिफल तैयार किया है। इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, हर किसी के लिए इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पूर्व पुनः याद दिलाना चाहूंगा, अगर जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में #AskSwamiji लिखकर अपने सवाल मुझे जरूर भेजें, मैं आपकी कुंडलियों का विश्लेषण जरूर करूंगा। तो आपके सवालों का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे इस विश्लेषण के अंदर दो भागों में इस विश्लेषण को बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शुभ संकेत कौन से हैं,
कौन सी गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है यहां पर सितंबर 2024 के अंदर। दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि कौन सी अशुभ घटनाएं आपके साथ यहां पर घटित हो सकती है। तो पहले शुभ घटनाओं की चर्चा कर लेते हैं। मंगल देवता का गोचर आरंभ हुआ है पंचम भाव में मिथुन राशि के अंदर अगस्त के अंत से, पूरे सितंबर भर फल देने वाले हैं। पंचम भाव में विराजमान हुए मालिक हैं तीसरे भाव के और इसके साथ साथ मालिक हैं दशम भाव के, करियर भाव के, फिफ्थ हाउस एजुकेशन से रिलेटेड भाव है। अब क्या क्या यहां से गुड न्यूज मिलेंगी इनको आप एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है कि आप अपनी किसी हॉबी जो आप काफी समय से किसी चीज में जिज्ञासा रखते थे, उसको जानने की क्यूरियोसिटी रखते थे, थोड़ा बहुत उसे साइड में सीखने की कोशिश भी कर रहे थे, पूरे तरीके से अभी समय नहीं दे पा रहे थे, अब उस हॉबी को आप एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देखिए आज के इस युग में एक सर्टिफिकेशन या एक फॉर्मल डिग्री का जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग आंख मूंद कर उन पर विश्वास करते हैं। भले ही आप अपनी फिल्म कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर जब आपके पास एक प्रॉपर उसका सर्टिफिकेशन आ जाता है तो लोगों को विश्वास करने में आसानी हो जाती है। तो वही मुझे इस समय पर नजर आ रहा है कि बहुत समय से जो आपकी हॉबी थी, जो आपका पैशन था, उसको अब आप फॉर्मल एजुकेशन के साथ उसमें कोई कोर्स करके, उसकी कोई सर्टिफिकेशन लेकर, किसी किसी क्लासेस वगैरह को ज्वाइन करके आप एक प्रॉपर उसको फॉर्मलाइज करना चाहेंगे और उसमें एक सर्टिफिकेट हासिल करना चाहेंगे। और ये आपके आगे के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आप अपना करियर बनाने के बारे में इस समय पर सोच सकते हैं, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो यहाँ से बैठकर आपकी कुंडली के सप्तम दृष्टि से, यहाँ से आपकी इनकम के भाव पर भी पड़ रहा है। वो बहुत मजबूत प्रभाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। अष्टक वर्ग में भी बहुत प्रमुखता से वो बल नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए इनकम के नए द्वार खोल सकता है, एक नई इनकम की स्ट्रीम जनरेट कर सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो जरूर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ संतान प्राप्ति में मंगल देवता का आशीर्वाद इस समय पर कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाला है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, इस समय पर मंगल की स्थिति इस प्रकार नजर आ रही है कि आपको जो आपकी जो सूनी गोद है उसको भर सके। तो मैं तो अपने इष्ट देव भगवान शनिदेव और मंगल देवता से प्रार्थना करूंगा कि आप में से जो कोई भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि लव लाइफ में भी पैशन बढ़ने वाला है। आप इस समय पर अपने पार्टनर के साथ काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो रिजुविनेट हो गई है। आप अलग अलग बातों पर डिस्कशन कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और वो आपके लिए आपकी रिलेशनशिप को और मजबूत कर रहा है। साथ में आपने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं या अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको क्लोज लेकर आ रहा है। एक दूसरे के बारे में बेहतर समय, बेहतर तरीके से जानने का समय आपको इस समय पर मिल रहा है। तो इससे आपकी रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छी होने वाली। तो ये थे वो सारे शुभ संकेत जो मुझे यहाँ पर कुंभ राशि के लिए नजर आ रहे थे। अब आगे बढ़ने से पूर्व हैशटैग आज स्वामी जी में एक दर्शक का प्रश्न लेना चाहूंगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस विश्लेषण को ध्यान से देखें। अगर आज आपकी बारी नहीं भी आई है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगली बार आ जाएगी। अगर आपने पहले कमेंट किया था, अभी तक आपकी बारी नहीं आ पाई है, तो एक बार दोबारा से कमेंट कर दीजिए। और ध्यान रखना हैशटैग आज स्वामी जी जरूर लिखना, क्योंकि इससे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने प्रश्न पूछा है, तो आपके सवाल का जवाब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिलहाल जो आज का सवाल हमसे पूछा है वो कैलाश प्रजापत ने पूछा है। 2002 के ये जन्मे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मेडिकल लाइन में किसी कंपनी को अभी इन्होंने ज्वाइन किया है पर वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, शायद कंपनी का ही काम ठीक से नहीं चल पा रहा है जिस वजह से इनके जॉब पर खतरा मंडरा रहा है। तो कब तक ये खतरा ऐसे ही रहने वाला है, कब इनको आराम मिलेगा, आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताते हैं। तो देखिए कैलाश जी की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। राशि आज संयोग से हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो इनकी राशि भी कुंभ राशि ही बन रही है। अब लगन भाव को ही देखेंगे तो लगन भाव में राहु और बृहस्पति विराजमान है। राहु बृहस्पति साथ में विराजमान होते हैं तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ राहु और केतु जिस तरीके से विराजमान है, अगर आप देखें पहले भाव में राहु है, सप्तम में केतु है और कोई ग्रह इस साइड पर कोई भी ग्रह नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कालसर्प दोष भी इनकी कुंडली में एक्टिव रहने वाला है।
इस समय पर महादशा अंतरदशा देखे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा राहु की चल रही है, तो ये एक और संकेत दे रहा है कि इस समय पर गुरु चांडाल का पूरा प्रभाव इनको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इनके लिए करियर भाव के भी स्वामी है, तो निश्चित रूप से करियर में प्रॉब्लम तो देंगे। मंगल क्योंकि 10th हाउस में करियर के भाव में बैठे, तो निश्चित रूप से मेडिकल की लाइन की ओर इनका आकर्षण बढ़ेगा, इसी वजह से ही मेडिकल लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। अब आवश्यकता क्या है, कैसे इनके जो परेशानियां उनका समाधान मिलेगा, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने लग्न स्वामी को यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता है। बुध देवता अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, इसे बहुत जरूरत है कि आप अपने राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर के अंदर, इस फिंगर के अंदर आप एक पन्ने की अंगूठी पहनेंगे, बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसको मिस नहीं कर सकते, आपको ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो पन्ने की एक अंगूठी धारण करनी है। इसके बाद शनि देव जी जो कि 12th हाउस के अंदर विराजमान है, वो एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र के साथ उनका परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसकी वजह से एक विपरीत राजयोग भी एक्टिव हो जाता है। शनि जो है वो शुक्र के घर में है, तो इस वजह से एक विपरीत राजयोग बनता है इंटरचेंज की वजह से, और ये जो विपरीत राजयोग है ये आपको फल देने वाला है। अब इसको फल लेने के लिए हमको शनि को भी थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, आपके लिए तो वो वैसे भी भाग्य स्वामी है, तो निश्चित रूप से आपको अपने राइट हैंड की ये वाली बीच वाली फिंगर के अंदर शनि के लिए नीलम की अंगूठी भी धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो कालसर्प का एक लॉकेट गले में धारण करेंगे, और लेफ्ट हैंड के अंदर इंडेक्स फिंगर के अंदर एक व्हाइट टोपास या फिर व्हाइट पुखराज की अंगूठी पहनेंगे। कलर का बहुत ध्यान रखेंगे, आपको येलो वाला नहीं पहनना है, वो सूट नहीं करेगा, उल्टा नुकसान पहुंचाएगा, व्हाइट वाला पहनेंगे, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगा राहु और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें, ये भी आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। तो राहु का बीज मंत्र बता रहा हूं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह रावे नमः, और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो राहु के बीज मंत्र का जो जाप है वो आप कृष्ण पक्ष में अगर अष्टमी तिथि से शुरू कर सकते हैं या अमावस्या तिथि से शुरू कर सकते हैं, तो उसके बाद 108 दिनों तक एक माला जप आपने करना है। इसके बाद अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन से आप इसका एक माला जप स्टार्ट करें, 108 दिन तक ये जप भी करना है और एक माला रोज करना है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको इसका फल देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कैलाश जी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिला होगा। आप भी प्रिय दर्शक जो अब तक इस विश्लेषण को देख रहे थे, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि अपने प्रश्नों को #AskSwamiji लिखकर जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, बहुत जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते और पर्सनली प्राइवेटली मुझसे बात करना चाहते हैं, तो पर्सनल अपॉइंटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा ले, 2-3 दिनों के अंदर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मेरे से बात होगी, आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगा और निश्चित रूप से ऐसे उपाय आपको जरूर बताऊंगा जो आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर लौट रहे हैं, बात करना चाहूंगा कुंभ राशि के लिए उन क्षेत्रों की जहां से सबसे ज्यादा चुनौतियां आती हुई नजर आ रही। तो सबसे पहले तो जीवन साथी के साथ आपका किसी बात पर तनाव और वाद विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। महीने की शुरुआत में पहले 15 दिन तो जैसे तैसे गाड़ी को आप धक्का दे देंगे, परंतु महीने के दूसरे भाग में आपकी जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब सूर्य देवता अष्टम में गोचर कर जाएंगे, पहले वो 7th में थे, जीवन साथी के भाव में थे तब भी ठीक थे, वहीं के मालिक भी हैं तो ठीक थे, पर अब जब गोचर करके परिवर्तन करके आएंगे अष्टम के अंदर, तो वहां तो केतु भी मिलेंगे और केतु उन्हें ग्रहण लगा देंगे, तो जीवन साथी को अगर उन्होंने ग्रहण लगा दिया तो निश्चित रूप से कोई बड़ी प्रॉब्लम आनी तो तय है। तो जीवन साथी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती हुई नजर आ रही है, तो रिश्तों में अब तनाव आ जाएगा या स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर जीवन साथी के जीवन में कुछ इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा जो आपको हिला सकता है, तो ऐसी कोई बात होती हुई मुझे इस समय पर नजर आ रही है। एक तो ये बात से आपको सचेत करना चाहूंगा। दूसरी बात, शनिदेव जी वक्री चल रहे हैं, सर पे ही विराजमान है, इस समय पर स्वास्थ्य रूप से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। वैसे भी विश्व में एक नई महामारी जो है वो अपना सर उठा रही है, मंकी पॉक्स का आपने नाम सुना होगा, तो अपना ख्याल रखेंगे बहुत आवश्यक है, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
जीवन के चारों स्तंभों में बदलाव इस समय पर देखने को मिल सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि चारों जो मेन स्तंभ है, आप यानी आपकी लगन, फोर्थ हाउस जो आपके घर को दर्शाता है, सेवेंथ हाउस जो जीवन साथी को दर्शा रहा है, जो टेंथ हाउस से करियर को दर्शाता है, जो चार स्तंभ हैं जिन पे हमारा जीवन स्थापित है, वो चारों स्तंभों का अष्टकवर्त बल मुझे कम नजर आ रहा है। इस वजह से इन क्षेत्रों से मुझे परेशानियां आती हुई नजर आ रही हैं। जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल इस समय पर आ सकती है। बहुत ज्यादा ख्याल खुद का रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। हो सकता है करियर में कुछ बदलाव आ रहा हो या घर में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जा रहा हो, कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। भाग्य का भी पूरा साथ इस समय पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाग्य के जो स्वामी हैं वो कौन है, वो बनते हैं आपके लिए शुक्र देवता, और शुक्र देवता इस समय पर अष्टम में नीच राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य में तो रुकावट आएंगी ही आएंगी। इस समय पर कोशिश कीजिए कोई महिला आपसे जो बड़ी हो वो आपको कहीं बद्दुआ ना दे दे, क्योंकि ऐसी ली हुई जो बद्दुआ है आपका जीवन बेड़ा गर्क कर देगी। आप किसी भी अपने से बड़ी महिला से किसी भी प्रकार से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो महिला आपसे उलझने की कोशिश कर भी रही है तो भी आप पीछे हट जाइए, चाहे आपको सॉरी बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर आप उनसे मत उलझिए। अगर उन्होंने बद्दुआ दी तो आपका जीवन नरक बनना तय। तो ये वो सारे अशुभ संकेत थे जो मुझे यहाँ पर कुंभ राशि के लिए नजर आ रहे थे। अपने इष्टदेव भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप तक अशुभ फलों को पहुंचने ही ना दें, आपको केवल शुभ फलों की प्राप्ति हो। परंतु फिर भी अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कोई आपदा आ रखी है, कोई विपदा आ रखी है जिसका समाधान नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार वैदिक ज्योतिष को मौका जरूर दें। इसके लिए आप मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लिंक लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे लेके जाएगा और पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा देगा। मात्र 5 मिनट इसमें लगते हैं। 2 से 3 दिनों में आपसे बात करके आपकी परेशानी का समाधान जरूर बताऊंगा। इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण फ्री में कराना चाहते हैं तो #AskSwamiji लिखकर अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उनका जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अन्य राशियों का राशिफल देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आप ये राशिफल का वीडियो शेयर कर सकते हैं। सभी 12 राशियों का जो राशिफल है इसी प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दी हुई, तो वहां से किसी भी राशि का राशिफल आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर। क्या आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या आपकी कुंडली मांगलिक दोष से ग्रसित है? क्या अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है? आपके मन में अपनी जन्म कुंडली से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे सवाल घूम रहे हो सकते हैं। इन सभी का जवाब अब आपको मिल सकता है घर बैठे शनिपीठ मंदिर से अपनी पर्सनलाइज जन्म कुंडली बनवाकर। इस पर्सनलाइज जन्म कुंडली के अंदर हम आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष और शनि की 7.5 का पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे एकदम सटीक उपाय। साथ साथ आपको मिलेगी अपनी पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, यानी कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, और साथ साथ आपको मिलेगी अपनी पर्सनलाइज जेमस्टोन रिपोर्ट, यानी अपने हाथों में किन रत्नों को आपको धारण करना चाहिए। यह सब और बहुत कुछ अब मिलेगा घर बैठे हमारे शनिपीठ मंदिर से अपनी पर्सनलाइज जन्म कुंडली बनवाकर। आज ही अपनी कुंडली बनवाने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.shanipeeth.org। जय शनिदेव। Namaskar, my name is Sri Lakshmi. I have been in Dubai like for past 23 years and I've recently moved to New Zealand after getting married in January, and after visiting Guruji and wearing the rings, I've got such a good proposal and I was able to move to New Zealand. When I moved to New Zealand in January, it was in visitor visa, and then when I had to convert to my partnership visa, it was all due to Guruji's prayers and the rings, which helped me to get my visa very fast, my work visa. And after that, I recently got a job also very soon and very quick. And I hope it's all due to Guruji's prayers and rings. It has a really good and positive effect on me and my family as well. My father and mother has also been wearing these rings for like past 2 years. And it has been a really great change in our life.
And then it's because of Guruji's prayers and rings, which has been a great progress on me.